नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे दीपक का लाइव में। आज के वीडियो में बताने वाले हैं खोआ का न्यू रेसिपी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे मैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे बनता है न्यू डिज़ाइन का ये खोआ का रेसिपी। तो दोस्तों, सबसे पहले घाटी को गर्म कर लिया है, मीठा खोआ गर्म कर लिया है। अब देखिए, इसको हम मंज लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने टेस्ट के लिए इलायची दिया है, चौपाई कर लेंगे। अब उसके बाद बेलेंगे दोस्तों हम इसको। तो दोस्तों, ये जो डिज़ाइन देखने वाले हैं दोस्तों, ये फार्मा से बनाएंगे। दो तरह का फार्मा मेरे पास है दोस्तों, दोनों का प्रयोग करके ये रेसिपी बनाने वाले दोस्तों। तो हमने सबसे पहले इसे बेल लिया है अच्छी तरह से। उसके बाद देखिए, इस फार्मा से, ये प्लास्टिक का फार्मा है, इस तरह से इसको कट करेंगे बारी बारी से दोस्तों। इसी तरह से कट करेंगे सभी को। ये प्लास्टिक फर्म है और देखने में यूनिक होगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है दोस्तों खोआ का। चाहे तो आप इसे काजू से भी बना सकते हैं घर पे इस रक्षाबंधन में दोस्तों। ये रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई है। अब सभी को हम दोस्तों ट्रेल में सहतने का काम करेंगे। और ये छोटा वाला फर्मा है, दो तरह फर्मा जैसा कि मैंने बताया था कि प्रयोग करेंगे। ये छोटा वाला फर्मा है, ये छोटा फर्मा है दोस्तों। और हमने येलो कलर को पहले से बेल कर रखा है, उसको भी कट करेंगे और कट करके इसके ऊपर डालेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, हम डालने वाले हैं ये, देखने में बहुत ही सुंदर लगने लगा है दोस्तों। कलर चेंज करने के बाद थोड़ा सा यूनिक देखने में लगता है, ये फूल टाइप का हो गया एक तरह से। तो दोस्तों, देखा आपने कि मैंने दो फार्मा का प्रयोग किया है और ये रेसिपी तैयार किया है, खोआ का है बिल्कुल दोस्तों। बारी बारी से सभी मिक्स करेंगे, उसके बाद ट्रेल में दोस्तों सैत लेंगे इसे। और ये चॉकलेट बॉल है दोस्तों, दो दो पीस, तीन तीन पीस इसके ऊपर भी चिपकाएँ ताकि देखने में और यूनिक लगे और सुंदर लगे। आप चाहे तो इसको नहीं भी दे सकते, इसे पिस्ता बादाम भी दे सकते हैं अगर घर पर बनाना चाहे तो इस तरह का। और ये फर्मा ऑनलाइन भी मिल जाता है दोस्तों, गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा ये फर्मा। तो दोस्तों देख लीजिए किस तरह से हमने ट्रेल में सैत लिया है। अभी और इसके ऊपर सैतना है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत मिठाई है खोआ का। अब इसके ऊपर सैत रहे हैं हम। तो दोस्तों, आपको मेरे चैनल पे ऐसे ही एक से एक रेसिपी देखने को मिलेगा, खास करके इस रक्षाबंधन में। रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई होगा दोस्तों। दोस्तों, लगातार ऐसे ही एक से एक रेसिपी मैं डालता रहूँगा अपने चैनल पे। मेरे चैनल से जुड़े रहे दोस्तों, जुड़े रहने के लिए दिल से थैंक्स। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।